الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأسلام في الوجود سر لا في كل موجود نقطة طائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أليس منكم رجل صلوات. As you all are well aware that we have gathered here amongst great linguists, scholars, intellectuals, visionaries, journalists and people from all walks of life to respective fields, and their presence here adds more value and meaning to our life. I am greatly thankful to all guests who have squeezed out time from their tightly packed schedule to be here with us, and also thankful to the organizers of this seminar. May God bless us all in our efforts and help us to stay steadfast in this way. Amin. Raah-e-hidayat se inhiraaf karne wale aur bigde hue logon se sawal kiya ja raha hai. Alaysa min rashid? Kya tumhare darmiyan koi mard-e-rashid nahi hai? अक्वाम व मिलल के अंदर मर्द रशीद का वजूद मतलूब मौला है, जहां अक्वाम व मिलल में और अमसार व बिलाद में सिलसिला रुश्द व हिदायत को आगे बढ़ाने के लिए कोई शख्सियत बसूरत मर्द रशीद मौजूद होती है, तो वो लोग अपनी खुशबख्ती पर नाज करें तो बजा है। अगर कोई मर्द रशीद हो, लोग उससे इस्तेफादा करें तो हिलाकत व बदबख्ती से खुद को बचा सकते हैं। वतन अजीज पाकिस्तान अपने वजूद में आने के साथ ही वो खुशबख्त खिताए अर्ज करार पाया, जिसे कुछ दिलसोज और ऐसे काबिल लायक अफराद मुयसर आए कि जिनके सरमाया दानिशो बीनिश और आली व आला सलाहियतों के फैज से ये मुल्क अपने पाओं पर खड़ा होने के काबिल हुआ, और उन जौहर काबिल से आरास्ता पाकिजा अमल शख्सियात में से मिसल खुर्शीद जहां ताब एक शख्स मेंबर पर मतलाए अनवार बनकर तुलु हुआ, और उसने रुश्दो हिदायत के बयान को ऐसा उसलूब दिया जो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन के हुक्म रब्बी की तफसीर करार पाया। उसने नगमाए रुश्दो हिदायत को इत्तेफाक व इत्तेहाद और मोहब्बत व उखुव्वत का ऐसा मीठा और शीरी अंदाज व आहंग अता किया कि उसके मुखातबीन में इख्तिलाफ मकातिब फिक्र की तमीज खत्म होने लगी, मेंबर से रिस्क रुश्दो हिदायत बटने लगा और मुश्ताक सुखन खल्क मौज दर मौज मेंबर की जानिब रवानदवा नजर आने लगी। तशनागान इल्म व मारिफत के लिए मेंबर से कौसर हिदायत का धारा रवा हुआ, और माबैन अर्ज व समा नगमाए कुरानी की गूंज लहजाए रशीद से आश्कार होने लगी, और वो शेर के पैगाम हयात अबदी है, वो शेर के पैगाम हयात अबदी है, या नगमाए जिब्रील है या बांगे सराफील। उस एक सुखन में पैगाम हयात अबदी की खूबियां यकजा होकर नजर नवाज होने लगी, गुलिस्तान खिताबत के गुलो लाला की बहारों के सारे रंग, उनकी बूबास की सारी कैफियतें और चमनिस्तान खिताबत की शादाबी के हुस्ने दिल अफरोज के सारे जाविये एक जगह से मटाए, साज़े दिल के तार झनझनाए
और उन पर नगमा हक को सदाकत रवा हुआ। और इस तरह से के बकौले गालिब साकी बजनवा दुश्मने ईमानो आगे ही मुतरिब बनगमा रहजने तमकीनो होश है। साकी बजनवा दुश्मने ईमानो आगे ही के अलर रगम साकी बजनवा साकी जनवा आ रहा तो नजर आया मगर दुश्मने ईमानो आगे ही की बजाय रिस्क ईमानो आगे ही तकसीम करता हुआ नजर आया। और मुतरिब बनगमा रहजने तमकीनो होश है के अलर रगम उसके बयान से सरशारियों बेदारियों तमकीनों होश का कारवां चल निकला। उसकी आदाए खिताबत में कितनी आदाएं सिमट आई। मुअर्रिख की निगाह अदीब का बयान खतीब का लहजा मुहक्किकाना उसलूब सुखन और इस तरह के तज्जिया और तहलील के मराहिल में प्रोसेस में वो कभी अकेला जानिब मंजिल ना चला बल्कि सबको साथ लेके चला। और फिर लोग साथ आते गए और कारवां दर कारवां आते गए मजमा था कि बढ़ता ही चला गया और मिंबर का औच सुरैया की बुलंदियों को छूने लगा। और वो पैगाम जो इंसानियत की फलाह व सआदत के लिए लौहे महफूज से कल्बे मुस्तफा पर उतारा गया था उसे कारवां ने इंसानियत के दिलों पर नक्श करने के लिए जिस आहंग दिल रोबा की जरूरत थी वो आहंग अपना कर चमनिस्तान सुखन को वो बहार सुखन अता की के समाअत मलाल महसूस करने की बजाय निहाल होने लगी। तबाए इंसानी इल्मी मसाइल को बुझल महसूस करने की बजाय उन्हें नफस रूह परवर के तौर पर कबूल करके उनसे लुत्फंदोज होने लगे। तबीअतें तज्जिया व तहलील मतालिब को गिरा महसूस करने की बजाय उसके हुनरे बयान और शीरीनीय जबान की लताफतों के सबब मुश्किल मतालिब की तफहीम व तफहुम के अमल से लज्जत आशना होने लगी। उसने अपने हुनरे खिताबत से सबसे बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया वो ये है कि उसने अपने मुखातबीन और मुस्तमईन को लज्जत इल्म से आशना किया। इसलिए कि अहले इल्म इल्मी फतूहात से मसाइल और मुश्किलात इल्मी की गिरहें खोलने से उनकी उखदा कुशाई से जो लज्जत महसूस करते हैं मादियत परस तबीअतें उसे समझने से कासिर हैं। शेख तूसी ऐसी नाबिगा रोजगार शख्सियत सारी सारी रात तहकीक व मुतालआ में बसर करने मसाइल की पेचीदगियों को हल करने और इल्मी गुथियों को सुलझाने से हासिल होने वाली लज्जत के सबब दिले शब में रात की तारीकी में जब सारी दुनिया सो रही होती तो लज्जत इल्म से सरशार और बेकरार होकर अपने हुजरे का दरवाजा खोलकर आवाज देते ऐन अल मुल्क व ऐन अबना उल मुल्क कहाँ हैं बादशाह और कहाँ हैं बादशाहजादे। ख्वाब गफलत में नींद के मजे लेने वाले लज्जत इल्म से बेबहरा इन लोगों को इन बादशाहों को इन साहिबान तख्त ताज को क्या खबर कि लज्जत इल्म की कैफियतें क्या होती हैं। मुर्ग माही से सजे हुए दस्तरखान से आगे भी लज्जतों के जहान आबाद हैं इनको क्या पता। जहां शाहों को इसने कफ्श बरदारी नहीं मिलता वहां ताजो नगी तबलो निशां बख्शा गया हमको। आज जिक्र है उस शख्स का जिसे इकलीम सुखन का ताजो नगी और तबलो निशां अता करके खुर्शीद जहां ताब की सूरत मतलए मिंबरे करबला से अबदी सआदतों के नकीब और जुल्मत शिकन सदाकतों के खतीब की हैसियत से राजदार नगमाए जिब्रील बनाकर उभारा गया। नगमाए जिब्रील यानी मशीयत की वो सदा जो पैगंबरों के जरिए काफिला नौ बशर के अफराद की समाअतों पर दस्तक देकर उन्हें वादिय अमल में उतरने की दावत देती है। नगमाए जिब्रील वो सदा जो पैगाम की रोशनी और पाकिजगी से रहरवान हक को सदाकत के बातिन को रोशनी और नूर से भर देती है। नगमाए जिब्रील जिसका खिराम वादे सबा को शर्माए जिसकी तासीर कल्बे मुर्दा को जिंदा करे जिसकी मौज लफ्जों में उतरे तो मशीयत हक की तर्जुमानी करे जिसका तमव्वुज हफ्त अफलाक की बुलंदियों से लेकर जमीन की वुसअतों तक की फिजाओं में इर्तियाश पैदा करे जिसका औज सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों को तहे दाम करता हुआ नजर आए जिसका शौक कौसर के किनारे साकिये कौसर के दीदार के मंजर को मुजस्सम करे
नगमाए जिब्रील वो सदा जो सर चश्माए नूर से उभरती है और मौजे नूर के साथ सफर करती हुई सरजमीन कल्ब में उतर कर नूर और तजल्लियात की फसल उगाती है। नगमाए जिब्रील वो सदा जिसमें जहाने सौत व सदा और जहाने मतालिब व मानी यकजान हो जाएं, जिसके महज मतालिब भी मुनफरिद ना हो बल्कि जिसका आहंग और रिधम भी मुनफरिद हो। नगमाए जिब्रील जो फितरत को बालिद की अता करे और फितरत को उसके धारे पर रवा होने में मदद दे। नगमाए जिब्रील यानी फितरत के साथ खालिक फितरत की सरगोशी। नगमाए जिब्रील वो सदा के तकद्दस व पाकीज़गी और नूर हिदायत के मंजरों से जिसका इनेकास हो। नगमाए जिब्रील किनाया है सैल नूर का जो लिबास सौत व सदा में ढल कर रवा हो। किनाया है मसूलियत बर्दोश जिंदा जमीर लोगों की जानिब इंतकाल फिक्र का। नगमाए जिब्रील किनाया है, रमज है, ये लफ्ज इस्तेआरा है, ये जरिया है एहसास मसूलियत से सरशार उन बाहिम्मत और जिंदा व ताबिंदा फिक्र रखने वाली शख्सियात की जानिब तवज्जो को मुंतकिल करने का जो फिक्र के नुमाइंदा होते हैं। नगमाए जिब्रील किनाया ऐसे कलाम के लिए जिसका मसदर पाकीज़ा तंजील मिन हकीम हमीद, मसदर से लेकर जाने वाला सफीर पैगाम अमानत में खयानत न करने वाला नज़ला बिहर रूहुल अमीन अला कल्बिक, ऐसा पैगाम जिसका सफर इनायात इलाही से मुकम्मल हो और जो शयातीन की दस्तबर्द से सही व सालिम महफूज रहे। ला याती है बातिल मिन बैन यदैह वला मिन खल्फिह, यानी मब्दा से लेकर मकसद तक पैगाम के तमाम मरहलों में लुत्फ परवरदिगार के सारे रंगों की कौसे कुजा जगमगा उठे तो नगमाए जिब्रील का मंजर मुजस्सम होता है। नगमाए जिब्रील जो लुत्फ इलाही की बरसात लेकर सरजमीन कल्ब पर वारित हो और सरजमीन कल्ब में जुरअत हिम्मत वलवला हरारत जोश जज्बा अदालत और शजाअत ऐसी सिफात जमाल और कमाल की आबियारी करे। यही नगमा बांगे सराफील में मुनकलिब होता है ख्वाब गफलत से जगाने का अमल, और जिनके दिल संगो खिश्त हो जाते हैं उनके लिए बांगे सराफील को सूरे इसराफील में तब्दील होने के मरहले से कयामत की हौलनाक तबाही के मंजरों को मंजरे निगाह पर लाना है, जिसमें कुफ्र सोज बिजलियों के लपकते हैं बाराने रहमत की बरसात में तसलसल में तराविश जिंदगी और उसी के अंदर बिजलियां चमक रही हैं, कुफ्र सोज लपक रहे हैं जिनको देखकर शयातीन नरस रहे हैं। वो खतीब काफिला करबला का हुदी खां है जिसकी हलम मुबारिस की आवाज से फिजाओं में इर्तआश है। यह खतीब हलम नासिरन यंसुरना की आवाज को दिलों तक पहुंचाकर उनसे जज्बाए नुसरत की वो अमवाज उभारता है जो सौत सदा के लहजों में ठल कर फिजाओं को लब्बैक के नारों से मामूर करती हैं। बांगे सराफील मब्दा से सफर माद की जाने यह नगमा आवाज देता है अल्यौम यौमुल अमल, आज का दिन अमल का दिन है। यह नगमाए जिब्रील है वगदन अल हिसाब, और कल कयामत का दिन हिसाब का दिन है। यह बांगे सराफील है नगमाए जिब्रील किनाया है, ये फर्शी नहीं अर्शी आवाज है। ये नगमा फराज अर्श से उतरा है तो फना पजीर नहीं है, ये इनकिता फना से दूर है, लारेब भी है बेऐब भी है जारी व सारी भी है, इसमें फातू बसूरत में मिसले ही का अक्स भी है। ये शान कलाम मुजज़ाए बयान से आरास्ता है, इसके औज में इसके उरूज में जौक शौक में कहीं कुरान की नगमा सराई कहीं हदीस की लबकुशाई कहीं मिंबर मशीयत से नशर होने वाली हदीस खुदसी के बयान की दिल रुबाई कहीं मिंबर सलूनी से दूना कलाम खालिक फौका कलाम मखलूक के एजाज से आरास्ता नहजुल बलागा से लफ्ज लफ्ज की आशनाई। नगमाए जिब्रील पूरा लहजा राजदान मशीयत हक बनकर समाअतों से हम कलाम है, मशीयत की अदाएं और तर्जमान मशीयत मासूमीन जो कौलो फेलो तकरीर के हर हर मरहले में जात हक की मशीयत के मजहर हैं, उनकी जिंदगी के रंगों को अपनी आंखों में बसा कर और उनके किरदार अमल की खुशबुओं को अपने लहजे में उतार कर
जो मुआशरे से हम कलाम हो, उसकी तकरीर नगमाए जिब्रील का वो आहंग है, वो सोजो गोदाज है और वो राजो न्याज है, जिसके एक जानिब जाते वाजिब और उसकी हिकमत के शहकार मासूमीन है, जिसके दूसरी जानिब तालिबे इरशाद व हिदायत काफिला इंसानी है, और दरमियान में ये नगमाए जिब्रील, जिसका एक सिरा अर्श से मुत्तसिल है, जिसका दूसरा सिरा मखलूक से मुर्तबित है। वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू के फरीजे की अदायगी, और इस हुनर से कि वो सदा दिलों को हरीम किबरिया से आशना कर दे, मारिका हक व बातिल का बयान, और इस हुनर से कि बातिल के खिलाफ ललकार का शजरा नसब जरबत जुल्फिकार की झनकार से अमाहंग हो, लेकिन फिर भी हालत यह हो कि मुश्ताक सुखन खल्क मौज दर मौज चली आ रही हो, और इस तरह कि अपने बेगाने की तमीज ना हो, बसूरत मिंबर आजाद चश्मा फैज़ हुसैन इब्ने अली जारी है, दौलत मानी से लबरेज है मकतबे अहले बैत, शह सवारान मरकबे बयान और काफिला करबला के हुदी खान, जिनकी हल्ब मुबारिज की आवाज से जर्रात खाक से लेकर गुम्बद अफलाक तक फिजाएं मामूर हैं, उधर यजीदियत लर्जा बरंदाम है, इधर फैज़ मिंबर आम है। ये मिंबर सदियों से समाअतों को हकायक आशना कर रहा है, सखी का करम जारी और सारी है, न मीनाए सुखन की गर्दिश में कभी तातुल पैदा हुआ है, न समाअतों ने कभी बेतलब नजर आने की जसारत की है, न साकी मै खाना मारिफत ने कभी बुखल का मुजाहरा किया है, और न रिंदे बादा खार में कभी बेतलबी के आसार नजर आए हैं। हालात बदलते रहते हैं, लेकिन फैज का धारा कभी रुका नहीं, कभी मौसमों की बेमुरब्बती का शिकवा नहीं करते, कभी बेमेहरी आलम का गिला नहीं करते, कभी लश्कर और तख्तो ताज की हैबत से मरऊब नहीं होते, कभी हुक्मरानों की आताओ जफा को खातिर में नहीं लाते, जेलों जिंदानों सूलियों और जल्लादों के हाथों में चमकती हुई तलवारों को निगाह गलत अंदाज से देखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। मताए लौह कलम छिन भी जाए तो हुस्ने बयान की कौसे कुजा से उफ़ुक़े दिलो दिमाग पर तुलू होने वाले शह सवारान मरकबे बयान और आशनायान रुमूज ममलिकत मानी समाअतों को सदा कताशना रखने के लिए फराज मिंबर से लेकर फराज दार तक के इलाके को अपने ही कूचाओ बाजार में शामिल समझते हैं। नेहा अंदर दो हरफी सिर खारस, नेहा अंदर दो हरफी सिर खारस, मगाम इश्क मिंबर नीस्त दारस्त, फजाइल व मनाकिब अहले बैत और मसाइब आले अथार को बयान करने के लिए अरशाए मिंबर न सही तो फराजदार ही सही, मगाम इश्क मिंबर नीस दारस्त, इस रम्स को काफिला करबला के खुदी खानों से बेहतर कौन समझ सकता है। यह हमारे मकतब का एजाज है कि खतीब मिंबर सलूनी के दर का फैज लेकर उठने वाले अरसाए बयान के शह सवारों ने हर दौर में जुल्मत शाम सियाह रंग के बद किरदार बद बातिन लश्करों का मुकाबला फराज मिंबर से किया, और हजारों पाबंदियों बंदिशों और रुकावटों के बावजूद इल्म फिक्र के चराग जला जला कर और रुश्दो हिदायत की खैरात बांट बांट कर दुनिया को हकायक आशना करने का फरीजा अंजाम दिया। नादिर रोजगार और अहद साज खतीब शायर व अदीब मुफक्किर व फलसफी दाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, तन्हा अपनी जात में एक अंजुमन, एक फर्द नहीं बल्कि दर हकीकत एक मिल्लत, काबिल कदर सलाहियतों का गफूर, रंगारंग सलाहियतों की दिलकशी दुरख्शिश और उनके एक नुक्ता पर इज्तिमा से तख्लीक पाने वाली हसीन दिलावेज शख्सियत, फराज मिंबर से आबशार फसाहत व बलागत रवन करके अल्फाज के जाम गर्दिश में लाकर मानियों मतालिब व मारिफ की मैल नाब से फैज दर नजफ को आम करने वाले और कुरान करीम नहजुल बलागा कुतुब अरबाआ सिहा सित्ता तारीख सैयद और नज्म नसर को यकसा कुव्वत के साथ बयान करने वाले ताजदार किश्वर फसाहत और बलागत फरमान रवाए मुल्क खिताबत
तवाना शायर बुलंद पाया अदीब और बेमिसाल खतीब अल्लामा रशीद तुराबी रिज़वानुल्लाह अलैह के जिनके अहद खिताबत से फैजियाब होने वाले अहल दानिश बीनिश से उनके खिताबात की बेपनाह और मशहूर कुन तारीफ व तौसीफ से हमारी समाअतें हमेशा आशना रही हैं। उनकी खिताबत के जिस मुशाहदे का मौका हमें फराहम किया गया उसका ताल्लुक उनके पीटीवी पर शाम गरीबा के उन खिताबात से है जो रिस्क सजदा और यकीन के अनाबीन के तहत अंजाम पाए हैं। ये शहकार खिताबात उनकी तकरीर दिल पजीर की तासीर उनकी जहानत के एतराफ और उनकी वसअत मुतालआ से आशनाई के लिए काफी वाफी हैं। उनका अपने मजामीन पर मुकम्मल उबूर मजामीन के इजमाल तफसील की नजाकतों पर मुकम्मल निगाह और उन पर मुकम्मल और भरपूर गिरफ्त के साथ साथ सौतो सदा के तनासुब लहजे के उतार चढ़ाव और बयान पर कंट्रोल का वो आलम के जबान से निकलते हुए अल्फाज की रगों में जिंदगी की रौ दौड़ती हुई नजर आने लगे। यह खिताबत का वो मुजजा है जो खास तौर पर कुदरत की जानिब से एक फर्द फरीद को अरजानी करके उसे अरशाए मिंबर पर जोफिशा कर दिया गया। फसे आईने थूथी से फतम दाश्ते अन उनसे उस्ताद अजल गुफ्त हम उन्मी बुयम। जी हाँ बिला शुबा ये गुफ्तगु एक ऐसे साहिब इल्म फन अबकरी इंसान और नाबिगाए रोजगार शख्सियत के बारे में है कि उसके गुनागुन सिफात और रंगारंग सलाहियतों के मुतालआ के बाद यही कहा जा सकता है कि यह इंतजाम कुदरत ही था कि यह फर्द फरीद जब बसूरत मर्द रशीद मिंबर पर जोफिशा हो तो इसके लहजे में सुरमाए खाके नजफ की बीनाई बोलने लगे। यह चेहरे पखाक मन के दरे भी तुराब की जब तुराबी बनकर उभरे तो मीजान अक्लो खिरत पर हकायक के गोहर तोलने लगे। इसका पैकर बरबते दस्ते मशीयत बनकर जहाने तगो दौ में दिले फितरत को गुदगुदाए और वो बरसरे मिंबर आकर नगमाए साजे अजल कुछ इस शान से गुनगुनाए कि फिजाएं फिर नगमाए जिब्रील के इर्तआश से आशना होने लगे। फिर फिजाए दहर उस नगमाए हयात की नगमगी से मुश्कबार होने लगे। एक मरतबा फिर मशामे जा उस मुश्के नाफ़े अंबर सरिश्त से मुअत्तर होने लगे कि जिसका मसदर व माखज नाफ़े गज़ाले खुतन नहीं बल्कि कल्बे मुस्तफ़ा है। वो शमीमे जान आवाज कि जिसका मरकज व मंबा और सरचश्मा फैज कल्बे मुस्तफ़ा है। वो दिल की धड़कनों से उभरती हुई सद नाजिश मौज मुश्के अंबर सरिश्त खुशबू के झोंके मौज सबा के खिराम नाज के साथ कायनात के बामो दर पर अपनी जिंदगी साज दस्तक के साथ मशामे जान को राज बका से आशना करें। इस तरह आवाज लौहे महफूज से लेकर कल्बे मुस्तफा तक की फिजाए आलम में पैगाम मशीयत लाने वाले जिब्रील के परों की आवाज के नगमे की गूंज बनकर फिर फिजाओं के सुकूत को तोड़े फिर कायनात के सन्नाटों में हलचल पैदा करे। एक मरतबा फिर हवाओं को तकान देती हुई दिलों को मरकज मेहरो वफा करती हुई हरीम किबरिया से आशना करती हुई यह आवाज खाबे गिरा से उठाकर मौत की आगोश से जिंदगी को उभारे और कल्ब मुस्लिम को जोरे बाजू हैदर और कुव्वत कल्ब हुसैन की रोशनी अता करे। यह इंतजाम कुदरत ही था कि वो फर्द फरीद बसूरत मर्द रशीद मिंबर पर जोफिशा कर दिया गया और उसे ये कमान सौंपा गया कि वो मिंबर करबला के खतीब की हैसियत से आमादा तकल्लुम हो और खानवादा इस्मत और तहारत के दर से जारी होने वाले चश्माए मारिफत की हयात बदोश मय नाक को करबला के खूनरंग मंजरों से कशीद की गई सदाकतों के पहलू ब पहलू इस तरह दुनिया के सामने पेश करे कि जहां मुखातबीन और मुस्तमईन के अफकार फिक्र अहले बैत से ताबदार हों वहां उनकी आंखें करबला के बेपनाह मसाइब पर अश्कबार भी हों और मातम गुसारा ने करबला के दिलों की धड़कनों के पैगाम से हर कलिमा गो इस तरह आशना हो कि सारा मुआशरा सानेहाए करबला पर अजादार नजर आने लगे। वो खतीब आमादा सुखन हो तो कभी
मुआशरे के लिए रिस्क हसन बांटता हुआ नजर आए, कभी उसे दौलत यकीन से सरशार करता हुआ नजर आए, और कभी बयान सजदा से हुसैन के बका आशना सजदे की तरफ जिमा में अफकार को ले जाए। उसकी मोजेजासार खिताबत निगाहों के सामने मंजरों को मुजस्सम करने लगे। उस बेमिसल खतीब का लहजा करबलाई किरदारों की गैरत हमीयत और इज्जत अजमत शजाहत और सलाबत किरदार का कुछ इस तरह से तर्जुमान बन जाए कि वो अपने मुखातबीन मुस्तमईन के अजहान को जमाल करबला के मंजरों से जलाल करबला के मरहलों में ले जाने की साई मशहूर पर मुवफ़क नजर आए। उसके लहजे से अब्बास आलमदार के लहजे के जलाल का इनकास नजर आने लगे। उसका लहजा किसी बीमार की जंजीर की झनकार को तारीख के कूचाओ बाजार से लेकर आगे बढ़े तो आंखों को अश्कबार करके अजहान को बेदार करने के अमल का आगाज करते। वो अपनी खिताबत की हैबत से दिलों पर जैनब कुबरा की खुतबात का जलाल तारी करते। उसकी खिताबत से यूं महसूस हो कि करबला यजीदियत को आज भी ललकार रही है। खिताबत का औज उरूज इस सतह पर हो कि यूं महसूस हो कि यह खतीब मिंबर पर नहीं बल्कि यजीदी लश्कर के बिलमुकाबिल मैदान मुबारजा में नक्कारा जंग पर चोट लगाने वाला हुसैनियों की सफों को मुनज्जम करने वाला ये करबला की शेर दिल हुसैनी सिपाह का वो मुबारिज तलब मुजाहिद है जो आवाज इस्तगासा करबला पर लब्बैक कहने के लिए लश्कर मुनज्जम कर रहा है। ऐसी मुनफरद खिताबत के पीछे जो हमारी कौम के इस नाबिगाए रोजगार खतीब फर्द फरीद और मर्द रशीद के हिस्से में आई मुनफरद अंदाज में मुख्तलिफ नौ सलाहियतों के हसीन इम्तिजाज का वो वफूर है जो कभी कभी और किसी किसी को अरजानी होता है। इन सआदत बजूर बाजू नीस्त थाना बख्शत खुदा ये बख्शंदे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो अपने जहाने दिल के अंदर मौजूद जज्बात एहसासात के तमव्वुज को अपने लफ्जों की गिरफ्त में देकर उनसे लहरें तश्कील देते थे। वो अपने बयान की तलातुम खेजियों के साथ मुखातब के सफीना फिक्रो नजर को गिरदाबे हिलाकत से निकाल कर साहिल आशना करने की तमन्ना से लबरेज नजर आते थे। उनके पास ये हुनर था कि वो मुखातब को तासुबात के दायरों से निकालने की साई मशकूर के साथ उसे अकीदा तौहीद और रिसालत इमामत की रूह को मीजान अकल पर जांचने के अमल में शरीक करते थे। सुनने वाले कायल होते थे या अगला बयान सुनने पर मायल जरूर नजर आते थे और यह खुद इस बात की दलील है कि वो दरे दिल पर दस्तक देने के अमल में कामयाब थे। बाज लोगों का ख्याल है कि अल्लामा रशीद तुराबी की तकारीर के मौजूआत नए थे। इस ख्याल की वजह उन खजानों से गमजे नजर है जो अल्लामा की तकारीर का माखज थे जबकि वो अपने माखजों का पता तो साथ साथ बताते चले जाते थे। कुरान करीम नहजुल बलागा अहादीस मासूम माखज और मैखाने मदीना व नजफ काज़िबैन व खुरासान व करबला मीर अनीस ने अरूस सुखन को सवारा और अल्लामा रशीद तुराबी रिजवानुल्लाह अलैह ने अरूस खिताबत को सवारा। और अगर हम अरूस सुखन से मुराद खिताबत को लें तो मीर अनीस के शेर को अल्लामा के नाम के साथ पढ़ें तो बेजाना होगा किसी ने तेरी तरह से ए अनीस किसी ने तेरी तरह से ए अनीस अरूस सुखन को सवारा नहीं है। अल्लामा रशीद तुराबी का मिंबर से अपने पेश करदा मफाहिम को तजसीम के यानी तजस्सुम ऐनी के मरहले तक ले आने का कमाल खुदाए सुखन मीर अनीस आलल्लाहु मकामहू के उस कमाल की मानिंद था जिसमें उनका कलाम मंजर बयान को निगाहों के सामने मुजस्सम करता हुआ नजर आता है। मिसरा ही यूं मालूम होता है कि शमशीर जन सिपाही दादे भगा दे रहे हैं। चुनाचे वो खुद भी इस कैफियत बयान को बड़े एतमाद से यूं पेश करते हैं। उनका मशहूर कलाम है या रब चमन नज्म को गुलजारे इरम कर उसमें वो कहते हैं मिसरा व सफारा सिफत लश्कर जर्रार अल्फाज की तेजी को न पहुंचे कोई तलवार नुक्ते हों जो ढालें तो अलिफ खंजरे खूंखार और मत आगे बढ़ें
बर्चियों को तोल के एक बार, गुल हो कभी यूं फौज को लड़ते नहीं देखा, और मक्तल में रन ऐसा कभी पड़ते नहीं देखा। और उनका एक और कलाम नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, उसमें वो कहते हैं, कलम फिक्र से खींचूं जो किसी बज्म का रंग, कलम फिक्र से खींचूं जो किसी बज्म का रंग, शम्य तस्वीर पे गिरने लगे आ आ के पतंग, साफ हैरत ज्यादा मानी हो तो बेहजाद हो दंग, खून बरसता नजर आए जो दिखाऊं सफे जंग, कोई नाजिर जो ये नायाब नजीरें समझे, नक्शे अर्जंग को कावाक लकीरें समझे। मैदाने जंग की मंजर निगारी और इस सतह और इस औच पर ले जाकर बयान करना, ये कोई आसान काम तो नहीं, मगर फिर भी उस मंजर को मुजस्सम करने में, ऐसे मंजर को मुजस्सम करने में जिसमें गोश्त पोस्त के पुतले हरकत कर रहे हों, और इस अम्र में बहुत फर्क है कि नजरियात के जंगो जदल के मैदान में उन नजरियात को उनके अपने अपने खसूसियात के साथ, हक व बातिल के मंजरों के साथ मुखातब के सामने मुजस्सम व मुतशक्किल करके, ख्यालात बातिला का खतीब इस तरह कला कमा करे कि मुखातब को वो बातिल नजरियात उनके बोधेपन की वजह से, उनके दलाइल की सुकून की वजह से जिनको खतीब वाजिह करता चला जाता है, जमीन वो सोते हुए नजर आए, और मुखातब के दिमाग में उन बातिल नजरियात से कराहत और बराहत अपने औज पर पहुंच जाए, और इसके साथ साथ ये खतीब नजरियात हक व सदाकत को उनके दिलकश और जज्जाब दलाइल के साथ मुखातबीन और मुस्तमईन के सामने मंजर निगाह पर लाकर फतह व जफर की मसनद पर बिठाकर हक की हक्कानियत और सच की सच्चाई के बारे में उन्हें इत्मीनान कल्ब और यकसूल की दौलत से नवाजता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, तो ये उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़त अल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिया अहसन के इरशाद को तजस्सुम ऐनी की मंजिल तक ले आने का वो अमल है जो खिताबत की मेराज कमाल का नाम है। अल्लामा रशीद तुराबी की खिताबत आम सतह की खिताबत न थी, बल्कि ऐसी खिताबत जो ठहरे हुए पानी में मद्दो जजर पैदा करने, और जहां ने बातिन के बहरे साके तो जामित को तूफान आशना करने, और उसकी तलातुम खेज मौजों से कश्ती हयात को साहिल आशना करने का अमल है। दरअसल खतीब की हैसियत आईना हकीकत नुमा की है, आईना में एक जहत इन जजाब नूर की है और दूसरी जहत इन इकास नूर की है। आईना खुदा आफ्ताब से कस्ब नूर करता है फिर उसे मुनअकिस करता है, अगर कस्बे नूर ना करे तो मुनअकिस नहीं कर सकता। खिताबत दर इल्म से खैरात वसूल करके आगे बांटने का अमल है। खुद अपना आईना दिल मुंजली ना हो तो तजल्लियात के इंतकाल और तरसील का अमल शुरू नहीं हो सकता, और तजल्लियात तभी मुंतकिल हो सकते हैं जब जहां ने हकायक को कश्तीय अल्फाज में रखकर आगे बढ़ाने का हुनर जाते हक से अरजानी हुआ हो, अल्फाज की नब्जों पर हाथ हो, लफ्जों से रंग जायके और मौसम कशीद करने और तख्लीक करने का हुनर जानता, इन रंगों जायकों और मौसमों को लफ्जों में समेट कर इनकी हिद्दत और शिद्दत पर इख्तियार हासिल कर लेने ही को खिताबत की मेराज कहते। खतीब के पास अल्फाज का असलहा होता है, खतीब अल्फाज का नब्बास होता है। लफ्ज बजाते खुद न मुहमल है न मुस्तअमल, लफ्ज न फसीह है न बलीग, लफ्ज की तारीफ इस्तिलाही ये है, मा यतलफ्फज़ु बिहिल इंसान मुहमलन काना अव मुस्तअमला, लफ्ज अगर माना रखता हो तो मुस्तअमल और अगर बेमाना जबान से आदा हो तो मुहमल। सदा के जेरो बम से मौजूद व मादूम होने वाले सौती दायरों की शक्लों ही को लफ्ज कहा जाता है। इन दायरों और इन लफ्जों की फसाहत और बलागत बजाते खुद कोई मफहूम नहीं रखती जब तक कि ये अपने मानी से मुतालिक होकर नजर ना आए, जब तक महमल अल्फाज में लैलाए मानी की दुरख्शिश नजर ना आए उस वक्त तक लफ्ज आबरूमंद नहीं हो सकते, और जब तक ताके अल्फाज में शम ए माना की जलवा रेजियां जहूर पजीर ना हो और अल्फाज की रगों में मानी का खून जिंदगी बनकर ना दौड़े, ये मुर्दा है।
शहरे माना लफ्जों के बगैर आबाद नहीं किया जा सकता और खेमाए लफ्ज में कंदीले माना रोशन किए बगैर बयान की बस्ती बसाई नहीं जा सकती। यही वजह है कि हमें लफ्जों माना यकजान नजर आने लगे हैं, ये लाजिम व मंजूम लगने लगे हैं, इनका तनासुब चोली दामन का साथ बन गया है और बकौले जोश सुखन होता न कभी तर्ज सुखन की बुनियाद, होता न कभी गलों में साजे इरशाद, खूबाने मानी पे छुरी चल जाती इंसान अगर अल्फाज न करता ईजाद। बज़ाहिर गुम और साके तो जामिद अल्फाज खतीब के पास जाकर मुतहर्रिक जिंदगी से सरशार और इनकलाब आफरीन कुव्वत में तब्दील हो जाते हैं। खतीब आमादा सुखन होता है तो अल्फाज के लश्कर दलाइल व बराहीन के हथियारों से मुसल्ला होकर आगे बढ़ने लगते हैं, मगर ये हथियार ना तो गर्दने काटते हैं और ना ही सरों को जिस्मों से जुदा करते हैं, बल्कि ये ख्यालात फासिदा और अकायद बातिला के अंधेरों का अपनी तनवीरों से जिगर चाक करके दिलों में हकायक की जोत जगाते और उफ़्क़े अफकार पर सदाकतों की सुबह सादिक लेकर तुलू होते हैं। खतीब में अगर मरहम नजरी का वस्फ मौजूद हो तो ये बखिया गरी का फरीजा भी अंजाम देते हैं। लफ्ज दिल की सदा को दिल तक पहुंचाने का जरिया है, लफ्ज एहसासात की आंच का तर्जुमान और नजरियात के खजानों का अमीन बनता है। लफ्ज जो वादिये दिलो दिमाग से सफर करके वादिये दिलो दिमाग तक अशिया की सूरतों को मुंतकिल करता है। लफ्ज राबिता नौ बशर के दरमियान, लफ्ज राबिता खालिक का मखलूक के साथ, लफ्ज वो बारे अमानत जिसे जिब्रील अमीन लेकर कल्ब पैगंबर पर नाजिल हो, लफ्ज जो लौहे महफूज पर तकदीर अर्जो समावात बनकर चमके, जो कल्ब पैगंबर पर कुरान बनकर उतरे, मिंबर सलूनी से आबशार बलागत बनकर रवा हो और नब्बाज लफ्ज की जबान पर आए तो इसके दिल के धड़कने की सदा सुनाई देने लगे। कहने को तो लफ्ज है लेकिन कभी हिदायत का आलम, कभी सैफ व कलम, कभी जर्राह का निश्तर, कभी तबीब का मरहम। लफ्ज भी असलहा की तरह बुद मुस्बत व मनफी रखता है, असलहा अगर मुहाफिज के हाथ में हो तो जिंदगी की जमानत और अगर डाकू के हाथ में हो तो जिंदगी का दुश्मन। इस तरह लफ्ज से कभी जिंदगी बरसती है और कभी मौत के शरारे लपकते हैं। एक फर्ज शनास खतीब और बाअमल आलिम दीन मुआशरे का फर्ज शनास और नब्ज शनास तबीब भी होता है। वो मुआशरे का नब्बाज होने के नाते सिर्फ उसने बयान का जादू जगाने से सरोकार नहीं रखता, बल्कि मुआशरे की बीमारियों और मसाइल पर निगाह रखते हुए उसे एक सर्जन की तरह सर्जरी के हसास लम्हात से भी गुजरना पड़ता है। वो लफ्जों के निश्तर से सर्जरी करता है, फिर उन्हीं लफ्जों से उसे जख्मों पर टांके लगाने का काम करना पड़ता है और यह तभी मुमकिन है जब अल्फाज की नब्जों पर हाथ हो। साकित और जामिद अल्फाज पहलू बदलते हैं, उनकी रगों में जिंदगी रवा होती है और फिर गनीम के मुकाबले में रजस खानी करते हुए अपने लश्कर के सिपाहियों का लहू गरमाने लगते हैं। वही लफ्ज चाकू बनकर सर्जरी करते हैं और फिर वही लफ्ज चाके दिल सीने के लिए सोजन बखियागर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अहले हक की खिताबत का अपना शजरा नसब है और यह जा मिलता है नहजुल बरागा के खालिक। खतीब मिंबर सलूनी की खिताबत से ऐसी खिताबत जो हुस्ने लफ्ज़ और हुस्ने माना का एजाज है। अल्फाज की तरतीब से बयान वजूद में आता है, कौन सा बयान ज्यादा फसीह और बलीग है और कौन सा कम, कौन सा फसाहत और बलागत से आरी है और कौन सा वस्फ फसाहत और बलागत से मुत्तसिफ, इसका ताल्लुक भी कभी मुतकल्लिम यानी साहिब बयान के मकाम व मर्तबा और कभी उस बयान के साथ सफर करने वाले कारवाने मानी व मफाहिम से। निस्बत अगर मुतकल्लिम से हो तो मुतकल्लिम कभी फकीह व हकीम, कभी मसीह व कलीम, कभी ये मुतकल्लिम रब्बे करीम, कभी हामिले लफ्ज जिब्रील अमीन,
कभी इसका गंजीना मुस्तफा कसीना, कभी इसका मसदर मंबा शहर इल्म, कभी बाबे मदीना। और इन्हीं नस्बतों से यही लफ्ज कभी वही कहलवाए, कभी कुरान और कभी हदीस। बयान लिबासे माना है, मानी व मतालिब का काफिला जो लौहे ख्याल पर और जहाने बातिन में रवा होता है, अल्फाज उसकी तस्वीर कशी करते हैं। ख्यालात जितने अरफा व आला होंगे, नजरियात इबहाम से और उलझाव से जिस कदर मुबर्रा होंगे, और मुतकल्लिम के बातिन का मंजर जितना शफाफ होगा, बयान भी उसी तनासुब से कदर कीमत पैदा करेगा। बयान चुके माफिस जमीर यानी जहान बातिन का अक्कास है, इसलिए बयान का बहाव, उसकी बुलंदी, उसका औज और उसका शफाफ मंजर होना, यह खतीब के बातिनी कैफियत का गम्माज है। जब खतीब का दिल यकीन से खाली होता है तो मुखातब का सीना तासीर से खाली होता है। बयान का कौसर सलसबील के शफाफ धारों की तरह रवा होकर, समाअतों की कारेजों से गुजर कर, कुलूब अजहान की वादियों को सैराब करना और जमीन कल्ब और जहान बातिन में अकीदा व ईमान की फसल उठाना, और कल्ब व रूह और दिलो दिमाग को इरफान हकायक के लाला व गुल से महकाते चले जाना, यह खतीब के शादाब बातिन, शफाफ जहन और उसका उम्क, उसकी गहराई मुतकल्लिम के आमा की फिक्र का पता देती है। खिताबत नजरियात की तरसील का जरिया है, खिताबत खारजार इश्क में कदम रखने का नाम है। खिताबत जिस्म रूह और कल्ब दिमाग से हम कलम होने का नाम है। खिताबत जहन रसा और कल्ब हकीकत आशना पर तजल्लियात मारिफत की जलवागरी को जबानों बयान के जरिए से मुखातबीन तक पहुंचाने के अमल का नाम है। खिताबत रोशनियों की सफीर है, खिताबत जुल्मतों को काफूर करने का जरिया है। खिताबत वो जौहर है जो असासा एक पैगाम हक बनकर नबुव्वत से खिराज तहसीन वसूल करता है। खिताबत वो जरिया है जिसके सबब पैगाम की तरसील मुमकिन होती है। ये नबुव्वत की तलब है, ये इल्मुल किताब के वस्फ से आरास्ता होकर नबुव्वत की गवाही की मंजिल पर है। खिताबत पैगाम के हुस्न, पाकिजगी और तकद्दस को बयान की नगमगी के हवाले करके, पैगाम के हकायक को सौत सदा के लहजों में उतार कर, ऐवान दिलो दिमाग के बामो दर पर हक को सदाकत की दस्तक के अमल को तेज करने का नाम है। खिताबत मुगालतों का खेल नहीं, बल्कि सदाकत आशना नजरियात की तफहीम तशहीर का जरिया है। इसका औज जदलियाती तर्ज तकल्लुम को भी जमालियाती सांचों में ढालने के फन से महज आगाही का नाम नहीं, बल्कि इस हुनर पर कामिल दस्तरस का नाम है। इसके ज़ाबिते कुरान करीम ने बयान किए, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। इसके फजाइल शरीयत मुतहरा ने वाज़ह किए, और इसकी जरूरत और इहतियाज इस औज पर नजर आई कि इस हुनर में कामिल दस्तरस रखने वाले अफराद पैगाम हक का असासा करार पाए, और ऐसा असासा जिसकी जरूरत से नबुव्वत बेनियाज ना हो। रब शराह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वज़अल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री व अशरिकहु फी अमरी। पहले शरह सदर यकसुई मौक़िफ़ की सदाकत, मौक़िफ़ का गैर मुभम होना और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाने का अमल, और उसमें उस शख्स की जरूरत जो इस हुनर पर मुकम्मल दस्तरस रखता हो, और महज दस्तरस नहीं बल्कि शरह सदर ईमान कामिल और अपनी सदाकत, अपने पैगाम की सदाकत के शुऊर से सरशार, इसलिए कि पैगाम की सदाकत के शुऊर से इबहाम का शिकार या यकीन से खाली शख्स निगाह बातिन शनास में पैगाम हक की तरसील का जरिया नहीं बन सकता। ज़ात अक़दस इलाही जो वारदात दिल से आगा है, जो अंधेरी रात में पत्थर पर चींटी के चलने की आवाज सुनता है, जो नेहा खाने दिल की कैफियत से आगा है, वो जानता है
कहां जुल्मत है, कहां रोशनी है। वो तो पैगाम रसा का दस्तो बाजू उसी को करार देगा जिसके बहरे कल्ब की अम्बाज पाकीज़ा, जिसका शऊर सतह मतलूब पर हो, जो यकीन के आला तरीन मनाजिल पर फायज हो। लिहाजा खतीब दस्तो बाजू बने, जनाबे मूसा आम मददगार नहीं मांग रहे बल्कि वस्फ खिताबत से मुत्तसिफ व आरास्ता खतीब मांग रहे हैं। और आकाए दो जहां भी ऐलाने नबुव्वत के लिए गवाह का, शाहिद का, वजीर का इंतजार करते रहे। और फिर कुदरत की जानिब से गवाह भी आता होता है और उसे मुनकरीन के सामने पेश करने का भी हुक्म होता है। आकाए दो जहां की नबुव्वत गुज़श्ता नबुव्वतों से मुमताज है तो इस नबुव्वत का गवाह भी गुज़श्ता नबुव्वतों के गवाहों से मुमताज है। यह गवाह भी है, खतीब भी है, वमन इंदहु इल्मुल किताब का मालिक भी है। जनाबे मूसा का गवाह हारून हामिले वस्फ खिताबत है तो आकाए दो जहां का गवाह खालिकी नहजे फलागत है। कुदरत जानती है वक्त आगे बढ़ेगा, खिताबत के जौहर खुलेंगे, मैदान वगा कश सवार आमादा पैकार हो तो लबे जिब्रील पे तराना लाफता मचलने लगे। खतीबे मिंबर सलूनी की हैसियत से आमादा गुफ्तार हो तो जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। और सिफीन के मैदान में फुरात के घाट पर, पानी के घाट पर सुखन तराज हो तो शाम कयामत तक आने वाली तशना लब रूहों को सैराब करते। यह खतीब खातम की शान है कि दमे रज़्म साहिब ज़ुल्फ़िकार खैबर में आलम के साथ आगे बढ़े और हुदैबिया में कलम से तहरीर लिख के फतेह मुबीन का इनाम पाए और मैदान मुबाहला में आए तो नफ्से रसूल बनकर। खतीब महज तहजीब का नुमाइंदा नहीं होता बल्कि वो तहजीब की सूरतगरी करता है, वो उसके पैमाने साचे और औजान मुअय्यन करता है, वो मुआशरा की तहजीबी खूबियों के विरसा का मुहाफिज भी होता है और मुआशरा की उंगली थाम कर उसकी रगों में अकदार उसूल के एहतरामो हिफाजत व सियानत का ताजा खून उंडेल देता है। ये कार्य अंबिया है। हो सकता है किसी जगह उमदा खिताबत की तारीफ ये हो कि वो अपनी तहजीबी रिवायत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे यहां एक नई तहजीब की दाग बेल डालने के फरीजा को अंजाम देने का नाम खिताबत है। ये मैदान नबर्द में उतर कर जहनों में बसे फरसूदा नजरियात से पंजा आजमा होती है। यह हक को सदाकत की रजस्खानी का नाम है। यह जहनों और दिमागों से मकरूह नजरियात के जाले साफ करके दिलों पर पड़े कुफ्र खोलने का नाम है। बाज लोगों का ख्याल है कि अल्लामा रशीद तुराबी की खिताबत की खूबी यह थी कि वो मनमाने की कोशिश नहीं करते थे। इजहार बयान के जमालियाती पहलू के गलबा की वजह से उनके मुखातबीन का हल्का वसी था। याद रखिएगा, बलंद पाया खतीब कभी मनमाने की कोशिश नहीं किया करता, वो तो समझाने की बात करता है, वो तो समझाने की कोशिश करता है, मानना तो नसीब की बात है। अंबिया का काम भी पहुंचाना और समझाना ही था, मनवाना उनका काम न था। वमा अलैना इल्लल बलाग़। कुरान करीम में खालिके कायनात ने कितने मकामात पर निशानदेही कर दी। लोग खिताबत पर गुफ्तगू फन के हवाले से करते हैं, खिताबत के जमालियाती पहलुओं पर बात करते हैं, लेकिन इस हकीकत को फरामोश कर देते हैं कि उनकी खिताबत के सारे रंग ईमान व अकीदा की रोशनियों से फूटते थे। उनके जगमगाते अल्फाज की पुश्त पर ईमान व अकीदा के तजल्लियात थे। उनके अल्फाज अकीदा की ताकत पर हावी न थे बल्कि उनके अल्फाज की ताकत का राज अकीदे की ताकत और नजरिए का जमाल था। वरना ये अल्फाज दूसरों के पास भी तो हैं लेकिन बेअसर या कम असर है। ऐसा क्यों है? याद रखिए, असा उसी वक्त मुजजा दिखाता है जब दस्ते मूसा साथ हो। और ज़ुल्फ़िकार के लिए लबे जिब्रील पर ला सैफा इल्ला का नगमा तभी मचलता है जब कब्जा शमशीर पर ला फता इल्ला अली का हाथ।
वो मिंबर पर जलवा अफरोज होते थे तो यूं लगता था जैसे मैं खाना मारिफत का दर खुल गया हूं। और फिर मुश्ताक सुखन खल्क चली आती है, मरसिया पढ़ने को दबीर आता है, वाली कैफियत पैदा हो जाती थी। अपने अहद के मशहूर मारूफ खतीब आगा फलसफी के बिलहक दुनिया के अजीम तरीन खुतबा में से और यकीनन नवाबिक में से थे कि जिनके अहद खिताबत में हमने मासूमा कुम की बारगाह की रूहानियत से मामूर फिजा में हौजा इल्मिया कुमुल मुकद्दसा के फ्यूजात आली मरतबत असातिज़ा इल्म फन और मुअल्लिमीन अखलाक से कस्बे फैज किया। उनका कहना था कि मिंबर हर फिरूज अस्त, मिंबर बायत हर फिरूज बाशर, कि वो मिंबर जिसका ताल्लुक अहद हाजिर के मसाइल से न हो, जहां मिल्लत के लिए पैगाम और मैसेज ना हो, वो मिंबर ही नहीं। अहले मिंबर अपनी कौम के कीमती वक्त के अमीन है और इस अमानत की दयानतदारी के साथ अदायगी उसी वक्त मुमकिन है जब मिंबर पैगाम में ढल जाए। इस लिहाज से देखा जाए तो मिंबर करबला का खतीब पैगाम करबला का सफीर है और इस सफीर के लिए लाजिम है कि यह रूह पैगाम करबला से कामिलन आगा हो और इस पैगाम के साथ मुताखिद और कमिटेड भी हो और इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के हुनर से भी वाकिफ हो। ज़बानो बयान कोई सादा चीज नहीं, सिर्फ इल्म नहीं बल्कि इल्मो हुनर से आमेख्ता है और इल्म और इल्मो हुनर के साथ साथ हदफ से ताख़ुद और कमिटमेंट भी लाजिम है। जो हदफ के साथ कमिटेड नहीं, जिसके मिंबर पर पैगाम नहीं और जिसका बयान रोजमर्रा के मसाइल को हमराह लिए हुए ना हो, उमड़ते हुए तूफानों पर जिसकी निगाह ना हो, दहकते हुए मसाइल का जिसको एहसास ना हो और अपनी कौम व मिल्लत को दरपेश मुश्किलात व मसाइल के हवाले से जो अपनी जिम्मेदारियों और फराइज़ पर दुकाने ताजिर नहीं, काने जवाहिर है। ये वो काने जवाहिर है जहां से रिस्क़े हसन बटता है, दौलत यकीन तकसीम होती है, एहसास बंदगी से सफर में इराज बंदगी की तरफ, मिंबर आगही मारिफत शऊर बंदगी, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात, मिंबर तस्लीम सुपुर्दगी, तवाफ रजाए मौला मारिफत नबुव्वत और रिसालत अजमत तौहीद, आई खुश अंदर गंज दिल तुर्रे मानी दाश्तन। अगर पता करना हो कि इस काने जवाहिर से क्या क्या कुछ मिलता है तो आप अल्लामा रशीद तुराबी की तकारीर के मौजूआत पर निगाह करें ताकि पता चले कि कैसे कैसे लालो गौर के खजाने मिंबर से किस शान से निछावर किए गए। खसूसियात बयान से सरशार खिताबत का एक वस्फ मजमून पर गिरफ्त है। कादिरुल कलाम खतीब होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि खतीब मजमून को अपनी गिरफ्त से ना निकलने दे और इसके लिए यानी मजमून पर गिरफ्त की कमी को ओजर तराश कर कभी वक्त की कमी का बहाना करके और कभी उसे अपने तबाहुर इल्मी का शाखसाना करार देकर जानना छुड़ाए। अल्लामा रशीद तुराबी आलल्लाहु मकामहु की खिताबत की एक अहम खसूसियत यह थी कि उनके आज जो सैकड़ों ऑडियो कैसेट्स बाजार में दस्तियाब हैं और लोगों के पास मौजूद हैं और वो शख्सियात जिन्होंने बिल मुशाफा और उनकी तकारीर सुनने का शरफ हासिल किया, सभी लोग इस बात की गवाही देते हैं कि बयान मुख्तसर दौरानिये का हो या ज्यादा लंबी तकरीर हो, उनका हर बयान एक मुकम्मल बयान होता था और वो कभी अपनी वसअत मुतालाअ के सबब आपको ये कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि वक्त खत्म हो गया और असल बात अभी तक शुरू ना हो सकी। ये उनके एक मुकम्मल और कादिरुल कलाम खतीब होने की दलील है। अल्लामा के अशआर उनकी तबे रसा और फिक्र फलक आशना का पता देते हैं। उनके अशआर उनके रोशन पन और साफी जमीर के आईनादार है। सीना रोशन हो तो है सोजे सुखन ऐने हयात, सीना रोशन हो तो है सोजे सुखन ऐने हयात, होना रोशन तो सुखन मर गे दवा में साकी।
यह उनकी हयात सरशार और जिंदगी पायदार का एक और गोशा है। उनकी शेर सुखन पर दस्तरस एक जुदागाना मौजू है, लेकिन चूंकि ये वस्फ उनके हुस्न खिताबत और मेराज खिताबत में दखील है, इसलिए यह अर्ज करना मुनासिब है कि उनकी फिक्र जिन हकाइक को खोजती है, उनकी कुव्वत बयान किस तरीके से उन्हें गुश्तर करती है। दर्द अंदाज़े दरमा से सवा होता है, उफ वो अक्ल जो नरगे में हो नादानों के, पर्दाए रौनक बाजार उलट कर देखो, हसरतें दौड़ती हैं भेस में इंसानों के। अल्लामा ने अपने शेर के जरिए पर्दाए रौनक बाजार उलट दिया है और उस बाजार का नक्शा खींचा है जो इस बाजार दुनिया की सज धज के पीछे कार फरमा है और इंसान के यहां खाना दिल के अंदर सजा हुआ है और मारिज़े खिफा में है। अल्लामा ने ख्वाहिशात के तगोताज और उनके सरगर्म में अमल होने के मंजर को मारिज़े बातिन से निकाल कर सतह जाहिर पर लाकर जिस चाबुक दस्ती और कुदरत बयान से फिक्रो नजर के सामने पेश किया है, इसकी दाद नहीं दी जा सकती।